सत श्री अकाल दोस्तों। किताब मेलजोल, लेखक नरेंद्र सिंह कपूर। लेख आदतां। चंगी आदत पाउणी उन्नी ही औखी हुंदी है जिन्नी भैड़ी आदत छड्डनी। इन्हां दोहां कम्मां लई दृढ़ संकल्प अते बड़े पक्के इरादे की लोड़ हुंदी है। जरूरी गुणा की नित वधदी घाट वांग दृढ़ इरादे की घाट भी एक आम गल हो गई है। कुछ भी ठीक हो रहा प्रतीत नहीं हुंदा। उदाहरण वजो हर एक व्यक्ति ने घड़ी बन्नी हुंदी है पर समय सिर पुजन की आदत किसी नूं भी नहीं है। सारे जानते हैं कि सवेरे उठना चंगा है। सैर सेहत लई बड़ी गुणकारी हुंदी है। सिगरट बीड़ी अफीम नशे दियां गोलियां लोड़ों वध भोजन खाना आदि सेहत लई हानिकारक हैं। पर यह सब कुछ जानते हुए भी असी ना सवेरे उठ सकते हाँ ना नशे छड़ सकते हाँ। खंड महंगी होने की सारे दुहाई देंदे हैं पर चाह जां मिठे तरल पदार्थ छड़न लई कोई तैयार नहीं। इसे लई चाह दियां दुकानां नवीं किस्म दे ठेके बनते जा रही हैं। वर्तमान समय विच कई नवीं भैड़ियां आदतां जिवें नहाउण दा त्याग, सवेरे देर नाल उठना, पेन कापी तो बिना ही क्लास विच जाना, फजूल गल्लां विच समां गवाउणा, मूँह विच हर समय कुछ चंबदे रहना अते हर वेले मोबाइल नूं चिंबड़े रहना आदि आदतां पैण दी संभावना वध गई है। जदों कि इन्हां दा त्याग करन दी समर्था दिनों दिन घट रही है। नशियां दी आदत नाल निजी विकास दीयां संभावनां तां खुंडियां हुंदियां ही हन। अजिहे व्यक्तियां नाल संबंधित उन्हां दे मापे पत्नियां बच्चे आदि भी घोर निराशा दे शिकार हो के जीवन खेड विच बदरंग दुखियां तिकियां बन के रह जांदे हन। जिस समाजिक ढांचे च असीं रह रहे हाँ उस विच सानू भैड़ियां आदतां दे गुलाम बनाउण दी असीम शक्ति है। आदत दे अर्थ हन किसे काम नू सुते सिद्ध करना, बूटां दे तस्मे बनने, कंघी करनी, पग बननी, कमीज दे बटन बंद करने, साइकल स्कूटर कार चलाउंदियां हत्थां पैरां अखां कन्नां दी सुते सिद्ध वरतों, किसी दा नां पता टैलीफोन नंबर आदि याद रखना, सारियां चीज़ां नू थां सिर टिकाउणा, कपड़े पाउणे लाउणे बिना अलार्म दे ठीक समय उठ पैणा, बैठदिआं ही ढासणा लाउणा, कुछ खास शब्द बोलणे, विशेष ढंग नाल कपड़े पाउणे, खाणा सौणा, चुंझलाहट समय सिगरट पीणी, थकावट समय चाह पीणी, मौज मेले लई जुआ खेडणा, गम भुलाउण लई शराब पीणी, पैसे होण दे बावजूद उधार लैणा, झूठ बोलणा, बहाने लाउणे, प्यार करना आदि साड़ियां कुछ आम जिहियां चंगियां माड़ियां आदतां हन। निता प्रति दे कम्मां नूं आदत वस करन नाल साडा ढेर समां बच जांदा है। बिना ध्यान दित्ते असीं आदत वस अनेकां कम्म कर जांदे हाँ। आदत जन्म जात नहीं हुंदी, किसे कम्म नूं करन दा इह इक सिख्या होया ढंग हुंदी है। रोटी हजम करनी, साह लैणा, सर्दी विच शरीर कंबना आदि साडियां आदतां नहीं शरीरक क्रियावां हन, पर शरीर दा बाहरी रख रखाओ साडियां आदतां नाल संबंधित हुंदा है। चंगियां आदतां जीवन दीयां वधेरे महत्वपूर्ण गल्लां लई सोचण वास्ते वेल प्रदान करदियां हन। आदतां साडे शरीर विचली तंतू प्रणाली विच वख-वख पड़ावां दा इक तार प्रबंध उसारदियां हन। उदाहरण वजो कोट पाउण समय बाहां चुकणियां, एक मगरों दूजी बाह दा कोट विच पाउणा, कोट नूं खिच के थां सिर करना, बटन बंद करने आदि इस लई बड़े सुभाविक कारज अते वरताले लगदे हन क्योंकि असी सब कुछ आदत वस झटपट कर जांदे हाँ। तुसी उस समय नूं सोचो जदों साइकल चलाउणी नहीं सी आउंदी, किवें हर चीज़ पहाड़ जिन्नी औखी प्रतीत हुंदी सी, पर सिखण उपरंत असी गल्लां करदिआं वी साइकल ठीक तरह चलाई जांदे हाँ। इवें ही लिखना सीखण समय अक्षर ठीक तरह नहीं सन पैंदे पर मगरों सब कुछ सुभाविक लगन लग पैंदा है। किसी भी व्यक्ति दीयां आदतां दूजे दीयां आदतां नाल नहीं मिलदियां, इसे लई असीं वख-वख प्रतीत हुंदे हाँ। साडियां वक्खरियां आदतां ही साडी विलक्खणता दा आधार हुंदियां हन। चंगियां अते भैड़ियां आदतां पक्कण दा ढंग एक ही है। दुपहर समय भोजन खाण दी आदत होवे तां ठीक उसे समय आदत वस भुख लगेगी, इवें ही शराबी नूं विशेष समय ही शराब दी तलप जागेगी। साडियां बहुतियां आदतां बचपन विच ही पक जांदियां हन, वड्डे हो के तां ओह वधेरे गुंझलदार हो जांदियां हन।
जिस बच्चे नूं स्कूलों दौड़न की आदत पै जाए कॉलेज विच उस दे रैगूलर होण की संभावना बड़ी घट हुंदी है। मार धाड़ चोरी हिंसा गुंडागर्दी जुर्म आदि आदत वस ही किए जाते हैं। उदाहरण वजों जल्दी गुस्सा चढ़न की आदत कारण एक व्यक्ति स्थिति नूं बेलोड़ा उलझा के अपने लिए मुसीबत खड़िया करेगा। मिली सज़ा तो उपजे गुस्से कारण वह कुछ होर करेगा, इवें ताणी बिगड़ती बिगड़ती उसनूं कुछ का कुछ बना देगी। इवें ही जिन्हां नूं बचपन विच ही मेहनत समय सिर काम करन आदि की आदत नहीं पैंदी उह वड्डे हो के भी अजिही आदतों कोरे ही रहिंदे हन अते अपने पछड़ेपण नूं पूरन लई उह जो कुछ भी करनगे उह सधारण उपयोगी अते समाज दे हित विच नहीं होवेगा। अजिहे व्यक्ति ही समाज विरोधी अंश हो निपटते हैं। जिन्हां नूं धन जां चीज़ां संभाल के वरतण की आदत नहीं हुंदी उह वड्डियां आमदनां दे बावजूद थुड़े ही रहिंदे हन। इसे लई कहा जांदा है कि चंगियां आदतां पाउण जां उसारन दा ठीक समां बचपन हुंदा है। किसी भी आदत नूं छड्डना बहुत औखा हुंदा है। साडा दिमाग भी आदत वस मुड़ घिड़ के उसे राह तुर पैंदा है। एक शराबी अनेकां वारी शराब नूं छड्डण दा यतन करदा है पर आदत वस उह शराब नूं जां शराब उस नूं लभ ही लैंदी है। इत्थे ही बस नहीं, उस दी सोच दा माप म्यार भी शराब बन जाती है। जे घर दी सफेदी करवाउणी है 20,000 रुपए खर्च होवेगा तां उह सोचेगा कि 10 पेटियां आ सकदियां हन, पूरा साल मौज बनी रहेगी। इवें ही लाटरी पाउण दी, उधार मंगण दी अते वध खाण दी आदत छड्डणी बड़ी कठिन हुंदी है। अजकल बहुते विद्यार्थियों विच मेहनत की आदत नहीं है। 2 घंटे पढ़ के वह समझते हैं कि बड़े थक गए हाँ, सो वह उन्हां सिद्धांतों की प्रोड़ता करनगे जिन्हां अनुसार 2 घंटे तो वध नहीं पढ़ना चाहिए। जदों कोई अपनी आदत नूं जायज ठहराउण लग पवे तां उस आदत का त्याग असंभव ही समझो। जेकर पढ़द्या कोई वेहलड़ मिलन आ जाए तो नलायक विद्यार्थी उसनू फड़ फड़ बहाणगे चाह पिलाउणगे तां कि पढ़न का समा जिवें किवें निकल जाए। जेकर किसी काम नूं करन दी आदत नहीं तां हालात व्यक्ति दी लोड़ अनुसार मदद करनगे। बिजली चली जाएगी, कमरे की चाबी गुम हो जाएगी, अचानक कोई काम पै जाएगा, पेन ही गुम हो जाएगा जां बल्ब फ्यूज हो जाएगा। पढ़न लिखण लई जिहड़ा कुछ समा बचेगा उसनूं होर विद्यार्थियों नाल रल के इम्तिहान अगे पाउण लई जद्दोजहद लई वरत्या जाएगा। इवें विद्यार्थियों विच काम ना करन दी आदत पक जाती है। अपनियां भैड़ियां आदतां जानदे होए भी उन्हां तों छुटकारा क्यों नहीं पाया जा सकता? भैड़ियां आदतां सौखियां हुंदियां हन, सो उन्हां तों छुटकारा पाउणा औखा हुंदा है। चंगी आदत साडी शख्सीयत नूं बलवान बणाउंदी है अते होर चंगीयां आदतां नूं अपनाउणा सौखा हो जांदा है। तुसी कोई एक चंगी आदत जिवें सवेरे उठण दी, सब थां समें सिर पहुँचण दी, अपना लिबास साफ रखण दी, हर चीज़ नकद खरीदण दी, नेम नाल रोज़ 100 पन्ने पढ़न जां हर चिट्ठी का उत्तर देण दी आदत पा लवो। बाकी चंगीयां आदतां आम मुहारे पै जाणगियां। उदाहरण वजों सब थां समें सिर पहुँचण वाला व्यक्ति फजूल खर्ची तो बच जाएगा, लोड़ अनुसार खाण लग पवेगा, बहाने लाने छड़ देवेगा अते कई भैड़ियां आदतों तो बच जाएगा। एक निश्चित उद्देश दूजियां दी नज़र विच उच्चे उठण दी अभिलाषा अते भैड़ियां आदतों वाले व्यक्तियों दी मिसाल सानू चंगियां आदतां पाउण अते अपनाउण लई उत्साहित करदियां हन। चंगियां नूं चंगे लगण दी रीझ हर किसी विच चंगियां आदतां अपनाउण दी प्रेरणा बन जाती है। भैड़ियां आदतां साडे शरीर अते साडी सोच नूं कमज़ोर करदियां हन अते कमज़ोर व्यक्ति बलवान फैसले नहीं कर सकते। साडियां प्राप्तियां दी प्रकार अते पद्धर साडियां चंगियां माड़ियां आदतां उत्ते निर्भर करदी है। कुचज्जियां आदतां वाला व्यक्ति सुचज्जा नहीं हो सकता अते सुचज्जे व्यक्ति नूं कोई भैड़ी आदत भरमा नहीं सकती। सो दोस्तों, इस दे नाल ही ये लेख खत्म हुंदा है। फिर मिलांगे इस तो अगले लेख नाल। धन्यवाद।